बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड्स एंड स्टाइल। व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से इंशाल्लाह, ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए डोरी पाइपिंग जो है वो भी लगाना सिखाएंगे, बनाना भी सिखाएंगे, और पाइपिंग को चार पाँच तरीक़ों से किस तरह लगाया जाता है फिनिशिंग के साथ, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आप ऐसा कीजिए कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सिखाएं। व्यूअर्स, आप चाहें तो खुद भी ये डोरी पाइपिंग बना सकते हैं, लेकिन ये हमने बनी बनाई कॉटन की डोरी पाइपिंग तो नहीं है, सिर्फ पाइपिंग है जो बनी बनाई हमने ली है। तो ये हम किस तरीके से लगाएंगे, ये देखें, ये बनी हुई है, तो आपको हम सिखा रहे हैं। पांच छह तरीके हो सकता है बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम कोई भी स्लीव लें, कुछ भी लें, आप इस तरह रखें, नीचे वाली चीज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस तरफ बढ़ा देंगे, और ऊपर जितनी बारीक करना चाहें आप इसको अंदर रखें कपड़े को, और इस तरह जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ ये आपके इसमें लगेगी। और ये याद रखें कि नीचे की जो पाइपिंग हो वो आप इस तरफ बढ़ा दीजिएगा, ताकि ऊपर से सिलाई बिल्कुल उसके ऊपर, डोरी के ऊपर आए। ये देखें व्यूअर्स, शुरू करते हैं। सिलाई जो है वो पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए व्यूअर्स, ये बात याद रखिएगा। ये देखें इस तरह, देखें बस, एक तरीका तो ये है, ये भी बहुत आसान तरीका है। अच्छा, एक बार और याद रखिएगा, अगर आप स्टिचिंग स्टार्ट करी है तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा ये वाली पाइपिंग लगाने का। अदरवाइज़ ये कि एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रेशमी कपड़े पर बहुत मुश्किल होता है, रेशमी कपड़ा या जॉर्जेट शिफॉन, उस पर ज़रा ये वाली पाइपिंग मुश्किल से लगती है। अगर कॉटन या बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह हो, लॉन हो, उसमें आसानी से लग जाती है। एक तरीका ये है, बहुत ही सिंपल है, एक ही सिलाई में आप पाइपिंग लगा सकते हैं आसान तरीके से। ये देखें एक बार कितनी खूबसूरती से और आसानी के साथ जो है हमारी पैकिंग ये लग चुकी है। ये देखें एक ही सिलाई में हमने, ये देखें नीचे से हमने थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है, तो ये सिलाई इसके ऊपर आ गई है और हमारी पैकिंग ये निकल गई है। व्यूअर्स, दूसरा तरीका हमारा ये है कि ये पाइपिंग बनी बनाई है, अगर आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। हमने ये इस तरह लिया रखा हुआ है, इस तरह रखेंगे हम दूसरी चीज़ को, हमने जो है जो कपड़े पर लगानी है हमें इस तरह रखनी है, और ये बहुत बारीक पाइपिंग जितनी चाहें आप बारीक निकाल सकते हैं, इस तरह रख कर जो है आप ऊपर से सिलाई कर दें। लेकिन कलर्स जो है धागे का वही कलर लें जो आपने लगाना है। देखें व्यूअर्स, ये हम बिल्कुल बारीक पाइपिंग निकालेंगे, आप जितनी चाहें बारीक निकाल लें। मैं दूसरा धागा इसलिए लगा रही हूँ कि आपकी आसानी के लिए, कि आपको समझ में आ जाए। आप चाहें तो चौड़ी भी पाइपिंग निकाल सकते हैं, आप चाहें तो बारीक पाइपिंग भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ये भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स कितनी बारीक और खूबसूरत लग रही है, और यहाँ तक लगाने के बाद जो है आपने पीछे से जो है आपने एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं व्यूअर्स, और आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, ये चौक में भी लगा सकते हैं, इनर के तौर पर भी लगा सकते हैं। हम जिस तरह के इनर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये देखें व्यूअर्स, ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया है आपको। ये देखें, ये दो तरीके हो गए व्यूअर्स।
अब मैं तीसरा तरीका आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, हमने ये पाइपिंग ली है, गनी बनाई और उसने इस तरह जो सिलाई है हम यहाँ रखेंगे, इस तरह रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अगर व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो आप ये स्लीव्स में, चाक गहर में तो आप आसानी से इस तरह लगा सकते हैं। गले में जो है वो हमें जो बुकरम होती है, प्रेस बुकरम होती है, प्रेसिंग बुकरम, उससे लगाइएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह बिल्कुल इक्वल सिलाई होनी चाहिए और पाइपिंग को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचिएगा। व्यूअर्स, जो तरीका आपको आसान लगे वो आप पर आसानी से बना सकते हैं। ये लगाने के बाद जो है व्यूअर्स, आप इसको, इस कपड़े को है इस तरफ आप प्रेस करेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इस तरह, ये देखें, जितनी चाहे चौड़ी या बारीक पाइपिंग निकाल लें। आप इस तरीके से प्रेस कर लें। आप ख्याल रखें कि नीचे जो है कपड़ा जो है पाइपिंग का, सिलाई उस पर भी आए। आप जितनी बारीक चाहे पाइपिंग निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो सिलाई हो वो पाइपिंग के ऊपर ना हो, बिल्कुल पाइपिंग के साइड में सिलाई होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में, मीन्स के बिल्कुल इसके बीच में आनी चाहिए और इस कपड़े को जो है इस तरफ रखना चाहिए। हाँ, हमेशा कपड़े को इस तरह करने के बाद जो है सिलाई करनी चाहिए। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, इस तरह ज़रूर जमा लें और फिर बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि बीच में सिलाई आए। ये देखें फिर, ये हमारी दो सिलाई में जो है हमारी पाइपिंग लग गई है। अब मैं चौथा तरीका बताती हूँ व्यूअर्स। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये सिंगल पाँव लगाएं आप, डबल पाँव है जो वो निकाल दें, ये आसानी से लग जाता है। यहाँ से निकालने के बाद जो है बहुत ही आसानी से आप इसमें फिट कर सकते हैं। देखें व्यूअर्स, ये भी तरीका सीख लीजिए आप, बहुत ही आसानी से। ये मार्केट में 30 रुपये का या 25 रुपये का मिलता है, ये आप चेंज कर लें। हम डोरी के साथ अब पाइपिंग लगाना बताऊंगी मैं आपको। ये देखें व्यूअर्स, ये निकालने के बाद जो है हम ये साइड रखेंगे, इस तरह रखेंगे और इस तरह हम ये लगा देंगे। ये हमारा पाउडर लगा दिया है हमने। व्यूअर्स, अक्सर हमारी जो शलवारें होती हैं उसके साइड में से कपड़ा निकाल कर भी हम इनर भी बना सकते हैं और पाइपिंग भी बना सकते हैं। ये हमारे, ये डोरी जो है मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आपने ये इस तरह रखनी है यहाँ से और ये इस तरह करना है और एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। पहले व्यूअर्स यहाँ से साइड से आप मजबूत कर लें इस तरह। ये देखिए व्यूअर्स, हमें ये यहाँ से रखनी है और हमें ये वाला, ये जो रुख है हमें इस तरफ रखना है और मजबूत कर यहाँ से ये वाली साइड हमें इस तरफ रखनी है और यहाँ से इस तरह। आप चाहें तो चौड़ा भी इनर बना सकते हैं, आप चाहें तो पाइपिंग बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जितना चौड़ा चाहे आप इनर भी बना सकते हैं। ये घर में भी बहुत आसानी से बन जाता है इनर, मार्केट में भी मिल जाता है।
देखें ये प्रेस कर रहे हैं इस तरह पूरी डोरी अंदर रखते जाएं और ये सिलाई लगाते जाएं। तो ये याद रखिएगा ऊपर का कपड़ा ज़्यादा खींचना नहीं है ना ही नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। ये हमारी डोरी पाइपिंग बन रही है और ये इनर भी जो लगा रहे हैं इनर भी कहते हैं डोरी पाइपिंग भी कहते हैं तो वो आसानी से बन जाता है। सलवार के साइड से आप कपड़ा निकालेंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। इनर पूरा बनाने के बाद जो है आप लगा सकते हैं। ये देखें ये हमारी डोरी पाइपिंग बन गई है। एक तरीका तो ये है कि मैं बता दूँ आपको, एक तरीका ये है कि आप इस तरह रखेंगे कपड़े को, ये देखें इस तरह रखेंगे इस तरह, और ये देखें पांव जो है इस साइड का है तो हम इस तरह इस साइड पर रखेंगे। हम डोरी जो है इस साइड पर होगी और ये हमारा जितना भी आपको अंदर लेना है कपड़ा लें और जितना बाहर छोड़ना है छोड़ें, और ये हम इस तरह लगाएंगे। अगर आप राउंड में भी लगाना चाहें तो राउंड जो नेक लाइन है उसमें भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ये फिर बाद में प्रेस करना है, पानी लगाने के बाद जो है वो राउंड खुद हो जाएगा। और अगर पाइपिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो पाइपिंग के साथ भी बन सकता है। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल एक जैसी डोरी निकलती है। ये देखें व्यूअर्स डोरी पाइपिंग कहलाती है ये, और इस तरह हम इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लें। ये आप चाहें तो सुरपाई कर लें, आप जिस तरीके से चाहें ये लगा सकते हैं। ये देखें ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है और तरीके से लगाई गई है। व्यूअर्स ये पांचवा तरीका मैं बता रही हूँ आपको। ये डोरी पाइपिंग है हमने जो बना चुके हैं हम, और उसके बाद जो है हमने ये साइड ली है। यहाँ पर तकरीबन एक इंच या थोड़ा सा ज़्यादा पर पूरा निशान लगा लिया है सीधा। अब हम इसे इस तरह इसके ऊपर रखेंगे इस निशान पर और पूरी एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, और एक पांव जो है वो ही मैंने लगाया हुआ है, उसी से लगानी है हमें। ये पाइपिंग लगाने का पांचवा तरीका, ये अंडरग्राउंड पाइपिंग है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाना भी एक फन है व्यूअर्स। आपको मैंने ये पांच तरीके बहुत ही आसान वाले सिखा दिए हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हमने ये लगा लिया है, उसके बाद हम ये देखें इस तरह करेंगे और ये चीज़ हमने इस तरह जो है हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखें फर्स्ट ये किया हमने इस साइड पर लिया और ये इसको फोल्ड कर ये अंडरग्राउंड पाइपिंग में सिखा रही हूँ आपको। ये वाली चीज़ एक सिलाई हम इधर लगाएंगे। पूरे में लगाने के बाद जो है व्यूअर्स ये बात याद रखिएगा, ये वाला कपड़ा जो है अपनी तरफ पुश नहीं करना है, बल्कि नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा पुश करना है, ऊपर वाले को थोड़ा सा पुश ना भी करें, बिल्कुल एक पर रखें। ये देखिए वरना झोला जाएगा और जो कि आपके लिए फिर परेशानी का बायस होगा। ये देखें इस तरह रखना है। ये हमारा पांचवा तरीका था व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है अंडरग्राउंड। आप चौक में भी लगा सकते हैं, मैं पहले सिखा चुकी हूँ और सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स ये देखें ये हमारी दूसरी सिलाई जो है हम आप चाहें तो ये चौक पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अपनी नेक लाइन में, आप चाहें तो अपने नीचे दामन में बना सकते हैं, और दूसरी सिलाई आप इस तरह इस पर या तुरपाई कर सकते हैं या आप सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें हमने मैंने पांच तरीके बता दिए हैं व्यूअर्स आपको। ये देखें व्यूअर्स हमारी पांचों पाइपिंग जो है 1 2 3 4 5 ये देखें हमने किस तरह आपको सिखाई है पांच तरीकों से, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। देखें पहला तरीका ये
ये वाला तरीका, ये देखें जो हमने एक ही सिलाई में डबल ये सिंगल पाइपिंग लगा दी थी एक ही सिलाई में, और ये देखें, ये देखें ये डोरी लगाकर हमने पाइपिंग लगाना बनाकर डोरी डालकर जो पाइपिंग बनाई है वो है, और ये अंडरग्राउंड पाइपिंग जो है हमने सिखाई है आपको। देखें व्यूअर्स, ये चौक पर अक्सर चौक और दामन पर लगाई जाती है। और व्यूअर्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़रूर हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया तह दिल से, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आप क्या क्या देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, खुश रहें, खुश रखें।